तुम चिंता मत करो बुलबुल बहन, हम सारे सहारा जंगल के पंछी तुम्हारे साथ है। जैसा कि हमारे जंगल का नियम है, आज से सारे पंछी मिलकर तुम्हें रोजाना अनाज लाकर देंगे। सारे पंछी मिलकर बुलबुल के पति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरे दिन से सारे पंछी मिलकर जितना हो सके उतना अनाज बुलबुल चिड़िया को लाकर देने लगे। ये लो बुलबुल, मैंने तुम्हारे लिए ये ताजा ताजा अमृत लाया है, तुम और सोनू इसे खा लेना, और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। अरे मीनू मौसी, आपने क्यों तकलीफ उठाई, आप रहने देती, मैं बूढ़ी जरूर हूँ लेकिन अभी भी मेरे पंखों में बहुत ताकत है। मैं जानती हूँ अकेले रहने का दुख। उस बुलबुल चिड़िया के तो मजे हैं, उसका पति मर के भी उसके काम आ गया, अब उसे रोज घर बैठकर फोकट में खाना मिलेगा। और एक मेरा पति है जो जिंदा होकर भी किसी के काम नहीं आता, हमें ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है और उसे ही अनाज खिलाना पड़ता है। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। अरे गोरी, क्या आइडिया दिया है तुमने? अब इस खाली दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं एक काम करता हूँ, मैं मरने का और तुम रोने का नाटक करो। जैसे ही जंगल में ये बात फैल जाएगी कि मैं मर गया हूँ, तो सारे पंछी मिलकर हमें भी अनाज ला कर देंगे। आपका दिमाग तो ठीक है ना, अगर हम पकड़े गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। अरे भगवान, कुछ नहीं होगा, मैं हमारे घर के पास वाले कमरे के माले पर छुपा रहूंगा और सिर्फ रात होने पर ही बाहर निकलूंगा। गोरी को कालू का आइडिया अच्छा लगता है। ठीक है फिर, मर जाओ जल्दी से। क्या क्या कहा तुमने? अरे अरे, मेरा मतलब है मरने का नाटक करो आप भी ना कालू जी। फिर क्या था, गोरी जोर जोर से रोने लगती है, सारे पंछी जमा होने लगते हैं। पंछियों ने कालू को पानी में बहा दिया। नियम के मुताबिक सारे पंछियों ने मिलकर कालू के परिवार को अनाज दे दिया। रात होते ही कालू कौवा चुपके से अपने घर आ जाता है। देखा तुमने गोरी, मेरी एक आइडिया की वजह से अब हम भूखे नहीं मरेंगे। अब कालू कौवे को घर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो घर के दूसरे कमरे के माले पर बैठकर पेट भर अनाज खाकर घोड़े बेचकर सो जाता। दो चार दिन ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन, आज अचानक मेरा पेट क्यों गुड़गुड़ कर रहा है? अरे गोरी, लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, मुझे जल्दी से टॉयलेट जाना पड़ेगा। ची ची ची, जल्दी से बाहर जाओ नहीं तो आप पूरा घोंसला खराब कर दोगे। मैंने आपको पहले ही कहा था घर में एक शौचालय बनवा दीजिए, अगर आपको बाहर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले मुझे जाने दो।
अरे आज अचानक मेरा पेट क्यों गुड़गुड़ कर रहा है, चलो जल्दी से जाकर आता हूं। अरे इस वक्त कौन गया होगा अंदर, अब तो मैं आवाज भी नहीं दे सकता, ये बाहर आ गया तो मुझे देख लेगा। इसके बाहर आने तक मैं कहीं पर छुप जाता हूँ। लगता है जो अंदर गया था वो बाहर आ गया है, अब मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। अरे ये क्या, मेरा पेट और गुड़गुड़ कर रहा है, लगता है मुझे फिर से जाना पड़ेगा। शायद अंदर कोई गया है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। जैसे ही उल्लू ने कालू को देखा वो बहुत डर जाता है। उल्लू सीधा राजा जी के पास आ जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि कालू जिंदा है और वो हम सबको फंसा रहा है? राजा जी, जब कालू टॉयलेट से बाहर आया था तब मैं पहले तो उसे देखकर बहुत डर गया था, लेकिन जब मैंने उसकी जमीन पर परछाई देखी मैं समझ गया कि वो जिंदा है और नाटक कर रहा है। मैंने डरने का झूठा नाटक किया और सीधा आपके पास चला आया। अगर ऐसी बात है तो हम अभी कालू के घर चलते हैं और उसके घर की छानबीन करते हैं। राजा जी, उनके सिपाही और उल्लू मिलकर सीधा कालू कौवे के घर के पास आ जाते हैं। उल्लू घर का दरवाजा खटखटाता है। गोरी दरवाजा खोल देती है। सिपाही अंदर जाकर छानबीन करते हैं। उन्हें कालू कौवा घर के दूसरे कमरे के माले पर छुपा हुआ मिल जाता है। सिपाही कालू को लेकर बाहर आ जाते हैं। राजा जी कालू की एक नहीं सुनते और उसे जेल में डाल देते हैं। दूसरे दिन रात के समय, चलो सोने से पहले मैं जरा पेट खाली कर कर आती हूँ। जैसे ही मीनू मौसी टॉयलेट के पास पहुंच जाती है, बुलबुल का पति जेंस टॉयलेट से बाहर आ जाता है। भूत! अरे बाप रे, ये मीनू मौसी कहां से आ गई? लगता है कालू के जैसे मेरा भी भांडा एक दिन फूट जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।